हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ अपने इस वीडियोस में। आप लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू विजिट करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या चला क्या नहीं चला। फिलहाल ये मेरा ब्लॉग वीडियो मतलब नॉर्मल साइज बनेगा, कोई लॉन्ग वीडियोस नहीं बनेगा। आप लोगों को पिछले ब्लॉग वीडियो में बताया था कि मैं एक टेक चैनल खोलूँगा, उस पर काम करूँगा। हाँ, ये बात सही है गाइस, मैं टेक चैनल खोलूँगा, उस पर काम करूँगा। लेकिन टेक चैनल खोलने के लिए मेरे को पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ सामान लाना पड़ेगा ना इसके कारण, क्योंकि जो सामान लाएंगे ना बैकग्राउंड में अच्छे से लगा देंगे और वो बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा लगेगा जब मैं वीडियो शूट करूँगा, अपलोड करूँगा। आइडियोज़ देखेगी तो वीडियोस पे विजिट करेगी, या वीडियो क्वालिटी भी अच्छा लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी ना तभी वीडियो पे आप लोग रुकोगे देखोगे। फिलहाल 2-3 दिन के अंदर चैनल बना लेंगे, ठीक है, और अपना व्यवस्था भी कर लेंगे अच्छी सी बैकग्राउंड के। फिलहाल आप लोगों को आज के डे में आप लोगों को ये बता दें कि आज के डे में मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरे साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस, डे तो मेरा हैप्पी डे कट रहा, हैप्पी डे नहीं सैड डे गया, क्योंकि हमारे पापा जी की जो तबीयत थी ना वो डाउन हो गई थी, यानी कि उनको फीवर आ गया था, उनको दवा भी लेना पड़ा, उनके ग्लूकोज चढ़ा, क्योंकि आजकल के समय में हर एक व्यक्ति के बीमारी लग ही जाती है, क्योंकि बीमारी लगना एक निश्चित है हर एक व्यक्ति को, तो ये माननी जाहिर सी बात है। कभी कभार हम भी बीमार हो जाते हैं, हर एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि कोई व्यक्ति बीमार ना होता हो, ये बात जाहिर है। तो आप लोगों को कुछ आज दिखा नहीं पाए, उसके लिए बेर बेर सॉरी कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहते होंगे कि बेर बेर ये बंदा यही रिपीट कर रहा है। लेकिन हम सोचते हैं ना कि कहीं अच्छी जगह जाएं और बढ़िया वीडियो शूट करें ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग चैनल हम अपना इस चैनल पे ब्लॉग वीडियो सही थोड़ो ना डालते हैं, इसीलिए आइडियोस रुकती नहीं है, बोर होके निकल जाती है, क्योंकि अरे क्योंकि कुछ इंटरेस्ट वीडियोस में है ही नहीं, तो आइडियोस देखती ही नहीं है। जितनी भी कुछ आइडियंस रुकती है, कुछ आइडियंस नहीं रुकती है ना। तो ब्लॉग का चैनल ऐसा होता है, आप लोगों को बता दें कि ब्लॉग वीडियो में हर एक चीज़ दिखानी पड़ती है, रियल टाइम का सब चीज़ दिखाना पड़ता है कि आपके साथ क्या चल रहा है, आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ प्रूव करना पड़ता है यूट्यूब पर, तब ब्लॉग वीडियो सही चलता है। हम आप लोगों को प्रूव कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ हमको दिखाना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। और ब्लॉग का ये भी मतलब होता है, ब्लॉग वीडियोस का ये भी मतलब होता है कि कहीं आप जाओ अच्छी जगह, कहीं पार्क में, कहीं टेंपल में, कहीं बढ़िया बढ़िया जगह, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी जगह, सुंदर सुंदर जगह जाओ, वहाँ की इंफॉर्मेशन दो, अच्छे अच्छे अपने आइडियोज़ को बताओ, बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाओ, तब आइडियोज़ रुकती है, तब वीडियो जल्दी वॉच होती है और वीडियो वायरल भी होती है। अच्छा वीडियोज़ बढ़िया बढ़िया बनाएंगे, हमने आप लोगों को बता ही दिया है पिछले ब्लॉग वीडियो में कि जल्लग वीडियो चैनल पर सही नहीं आएगा, जल्लग ये चैनल ग्रो नहीं हो जाएगा, चैनल ग्रो हो जाएगा तब खुद अच्छा अच्छा वीडियो लाएंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा। और टेक चैनल खोलेंगे उस पर भी आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा, मेरे को पता है, उसमें 100% मज़ा आएगा, टेक चैनल में इतना मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो चैनल जल्दी निकल जाएगा, ग्रो हो जाएगा चैनल, टेक चैनल, क्योंकि हम उस टेक चैनल की इतनी बढ़िया व्यवस्था करेंगे, हमको पता है। लेकिन अब 3 चैनल चलाएँगे, लेकिन 3 चैनल पर वीडियो देना इम्पॉसिबल रहता है, लेकिन अब क्या करें, टाइम निखार के वीडियो डालना पड़ेगा। लेकिन टेक चैनल, एक्सपेरिमेंट वाले चैनल, ये ऐसे चैनल होते हैं ना, क्योंकि इसमें डे में, यानी कि डे में नहीं सॉरी गाइस, हफ्ते में, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन में 3 वीडियो पड़ जाना चाहिए, 2 या 3 वीडियो, ये 2 चैनल ऐसे होते। और जो ब्लॉकिंग चैनल होता है ना, ब्लॉकिंग चैनल, इसमें पर डे वीडियो देना पड़ता है, ब्लॉगिंग चैनल में हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हद से ज़्यादा वीडियो शूट करना पड़ता है, तभी तो अर्निंग होती है ना। ये बात हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन
अब भगवान की कृपया है, अब भगवान से यही उम्मीद है हमारी कि जल्दी से चैनल गुरु हो जाए भगवान दया से। मेहनत तो कर रहा हूँ यार, और मेहनत करता रहूँगा, किसी दिन भगवान सुन ही लेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई हमारा एक चैनल जल्दी से निकल जाएगा, ये चैनल निकल जाता, लेकिन क्या करें, क्वालिटी नहीं सही दे पाए वीडियोस की। अब कुछ सही सलामत वीडियोस की क्वालिटी सही सलामत आने लगी है, तो ऑडियंस वॉच कर रही है। आज के ब्लॉग वीडियो में इतने ही गाइस, काफ़ी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग सोचते होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑडियंस की क्या लाइक करें, लेकिन लाइक में कुछ जाता है क्या? कुछ तो नहीं जाता, लाइक कर दिया करो, क्या जाता है। हमारी वीडियो जितनी भी ऑडियंस देखती है उनको दिल से शुक्रिया गाइस, शुक्रिया दिल से। इतना कीमती वक्त निकाल के हमारा वीडियोस देखते हो, दिल से शुक्रिया गाइस, बहुत ही लव यू टू गाइस। ठीक है, ऐसे ही वीडियो वॉच करते रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए हाँ गाइस, आप लोग अपने शरीर पे जरूर ध्यान देना, और अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना, अपने फ्यूचर के बारे में ध्यान देना, पास्ट के बारे में कभी ध्यान नहीं देना। हमेशा अच्छा अच्छा सोचना, गलत नहीं सोचना। अगर गलत सोचोगे तो दिमाग में गलत ही विचार आएंगे, गलत सोचोगे तो समझ लो आप बेकार व्यक्ति हो। हमेशा अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके बारे में कोई दूसरा अच्छा सोचेगा। आप अगर दूसरों के बारे में गलत सोचोगे ना, तो आपके बारे में कोई दूसरा गलत सोचेगा। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और बढ़िया सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छा सोचोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा जियोगे, अच्छा पहनोगे, तभी ज़िंदगी सही है। अगर गलत सोचोगे तो समझ लो वो मूर्ख व्यक्ति होता है जो गलत सोचता है दूसरे के बारे में। दूसरे के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। हम तो गाइस किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान अपने बारे में सोचेगा ना तो सही रहता। अच्छा सोचना चाहिए, अपने बारे में भी सोचें और दूसरे लोगों के भी बारे में सोचें कि हाँ वो सही चल रहा, हम भी सही चलें, वो सही खा कमा रहा तो हम भी सही खाए कमाएं, समझ रहे हो। आज के ब्लॉग वीडियो में इतना ही काफ़ी है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।